हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीपी एडुकेशनल ट्रिक्स। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप उसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सबको एक साथ कैसे कनेक्ट करोगे और कैसे कंप्यूटर को ऑन करोगे। मैं वायर कनेक्ट करके बताने वाला हूं कि सीपीयू में कौन से वायर लगते हैं, मॉनिटर में कौन सा लगाएंगे, मॉनिटर से सीपीयू को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये पूरा जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखिए ताकि आप भी अपने कंप्यूटर में वायर का कनेक्शन खुद से कर सको। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा वायर है और उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये है सीपीयू का पावर कोड, इसको सीपीयू का पावर कोड बोलते हैं। और ये हो गया आपका वीजीए, इसमें दोनों तरफ से सेम ही होते हैं, इसको आप किसी तरह से किसी में भी लगा सकते हो, इसको वीजीए बोलते हैं। और ये हो गया मॉनिटर का पावर कोड, इसे मॉनिटर में आप लगाओगे, एक तरफ से मॉनिटर में एक प्लग में लगेगा आपका, ओके। तो चलिए देखते हैं पीछे सीपीयू के बैक में और वहां पे कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले पावर प्लग जो होता है उसको यहाँ सबसे सीपीयू के ऊपर में लगाना है, यहाँ पे इस तरह से आप इसे प्रेस करोगे और अंदर चला जाएगा। इसे मेन बोर्ड में लगाना है तो इसे बाद में लगाएंगे, पहले वीजीए लगा लेते हैं। और उसके बाद ये जो वीजीए है इसको आप देख लोगे और उसको यहाँ पे लगाना है, ये वीजीए वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा के इस वोल्ट को टाइट कर दोगे दोनों तरफ से। जब आपका ये पावर प्लग लग जाए और ये वीजीए लग जाए तो वीजीए का दूसरा जो पॉइंट है उसे आपको लगाना है मॉनिटर में। तो आपको मॉनिटर में यहाँ पे इसे लगा देना है वीजीए को, कुछ इस तरह से लगा के फिर यहाँ भी आप टाइट कर दोगे। और यहाँ जब लग जाए तो आपको एक दिख रहा होगा मॉनिटर का पावर कोड, आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि हमने पहले दिखाया था ये है मॉनिटर का पावर कोड और इसको आपको लगाना है यहाँ पे। और इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ पे इस तरह से लगा दोगे आप मॉनिटर में, ठीक है। और फिर जाएंगे दूसरे सिरे को, इसको लगाना है आपको मेन बोर्ड में, ओके। फिर उसके बाद आपको लगाना है ये माउस और कीबोर्ड, दोनों में यूएसबी दिए हुए हैं और यूएसबी कोड के जरिए ही माउस और कीबोर्ड चलता है अभी। तो आपको यूएसबी वाला जो है वो आपको यूएसबी के पोर्ट में लगा देना है, जो कि आपको वीजीए के नीचे में मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक में आप लगा सकते हो माउस और दूसरे में आप कनेक्ट कर दोगे कीबोर्ड। इस तरह से चार पांच यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें आप फिट कर दोगे। फिर आपको ये वेबकैम दिख रहा होगा, इस वेबकैम में भी आपको यूएसबी पोर्ट ही मिल जाएंगे, तो इसे भी लगा देना है यूएसबी पोर्ट वाले में, एक में आप लगा दोगे। और फिर इसका जो एक है माइक वाला जैक वाला, ये 3.5 mm का जैक है, इसे आपको नीचे लगा देना है। फिर आपको ये अगर हेडफोन लगाना होगा तो हेडफोन लगाने के लिए एक इसमें माइक का कोड दिया हुआ है और एक स्पीकर का, तो उसे क्या करोगे, रेड वाले को रेड वाले में और फिर ब्लैक वाले को आप ग्रीन में लगा सकते हो या ब्लू में भी लगा सकते हो। इस तरह से आप ये कोड भी लगा लोगे, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे हमारा पावर कोड लग चुका है, वीजीए लग चुका है, माउस लग चुका है, कीबोर्ड और यहाँ पे वेबकैम भी लग चुका है और हमने हेडफोन भी इसमें लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पावर कोड जो है हमारा, उस पावर कोड को मेन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सीपीयू और मॉनिटर का जो पावर कोड है यहाँ पे लगा दिया, अब स्विच ऑन करेंगे। तो अब हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे पावर बटन प्रेस करेंगे और आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा पूरा कनेक्शन करने के बाद। हाँ तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर में वायर को कैसे कनेक्ट किया जाता है और आप खुद से यह कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।